आ गया एशिया कप 2023 का शेड्यूल, भारत पाक मैच का हो गया ऐलान। बाबर से बदला लेंगे रोहित शर्मा, 15 दिन में 3 बार होगी भिड़ंत। 6 टीमों के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट, एक ही ग्रुप में होंगे इंडिया पाकिस्तान। एशिया कप 2023 की तारीख तय हो गई है, लेकिन अब तक इसका शेड्यूल नहीं आया है। पाकिस्तान को वनडे टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच वेन्यू को लेकर चला लंबा विवाद। बीसीसीआई ने टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल का ऑफर दिया था। अब इसी आधार पर मुकाबले खेले जाने हैं। 4 मैच पाकिस्तान में होंगे, वहीं 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के मुकाबले 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होने हैं। श्रीलंका की टीम एशिया कप की डिफेंडिंग चैंपियन है। भारत में अक्टूबर नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। क्रिकेट पाकिस्तान की खबर अनुसार भारत और पाकिस्तान ग्रुप राउंड में 2 सितंबर को भिड़ सकते हैं। टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें कुल 6 टीमें उतर रही हैं। भारत पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें इसमें उतरेंगी। 3-3 टीमों का 2 ग्रुप बनाया जाएगा। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। दोनों ग्रुपों की टॉप 2 टीमें सुपर 4 में जाएंगी। सुपर 4 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 10 सितंबर को बाबर के आजम की कप्तानी के खिलाफ उतरेगी। मुकाबले दुबला में खेले जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया कप का शेड्यूल 19 जुलाई यानी बुधवार को जारी हो सकता है। भारत और पाकिस्तान यदि फाइनल में पहुंचते हैं तो 17 सितंबर को फिर से दोनों टीमें आमने सामने होंगी, यानी 15 दिनों के अंदर 3 बार भारत पाकिस्तान की भिड़ंत देखने को मिल सकती है। वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत पाकिस्तान का मैच 15 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैदान में लगभग 1,00,000 से अधिक फैंस उपस्थित रहेंगे। ये मुकाबला दुनिया का सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा मैच देखा जा सकता है। पिछले साल एशिया कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम फाइनल में जगह नहीं बना सकी थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मुकाबले खेले गए थे और दोनों ही टीमों ने 1-1 मैच में जीत हासिल की थी, लेकिन सुपर 4 में इंडिया को बाबर आजम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस कारण टीम इंडिया खिताबी मुकाबले तक नहीं पहुंच पाई थी। फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर टाइटल पर कब्जा किया था। इस बार फाइनल श्रीलंका में खेला जाना है। ऐसे में एक बार फिर से श्रीलंका की टीम दावेदारी कर सकती है। वहीं टीम इंडिया के सामने भी वर्ल्ड कप 2023 को लेकर तैयारियों को पुख्ता करने का बेहतरीन मौका है। अब देखते हैं रोहित शर्मा किस तरह की तैयारियों के साथ इस महामुकाबले में उतरते हैं। वहीं आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस बार एशिया कप का खिताब जीतेगी, उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।